नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नफरत मिटाओ, देश बचाओ कार्यक्रम बेताब समाचार एक्सप्रेस द्वारा आयोजित किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में बेताब समाचार एक्सप्रेस के संपादक एस ए बेताब की ओर से नफरत मिटाओ देश बचाओ शीर्षक से एक विचार गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आरिफ इंजीनियर ने की तथा संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि जमीयत उलमाए हिंद के दिल्ली प्रदेश के सदर मौलाना आबिद कासमी ने बोलते हुए कहा कि नफरत मिटाओ देश बचाओ कार्यक्रम आज देश की ज़रूरत है। जमीयत उलमाए हिंद का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा सद्भावना की बात की है। जंगे आज़ादी में जमीयत उलमाए हिंद ने जितनी कुर्बानियाँ दी है, उसी की बदौलत देश को आज़ादी मिली। आज देश में नफरत मिटाओ और मोहब्बत फैलाने की ज़रूरत है। सम्मान समारोह में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और साथ ही कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। दिल्ली से मोहम्मद इमरान की न्यूज़ रिपोर्ट। समर्थन करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जिसकी मुखालफत भी नहीं कर रही है, क्योंकि हुकूमत के पास हर इदारे का, हर मदरसे का, हर स्कूल का बाय डाटा होना चाहिए, जो वो अपना काम कर रहे हैं। हमें जो एतराज़ है वो है, ये एतराज़ है और सभी को तशवीश इस बात के ऊपर है कि जिस तरीके से मदारिस का सर्वे हो रहा है, इसी तरीके से और दीगर प्राइवेट जो दूसरी तंजीमें चला रही हैं, और यकीनन ज़्यादा शिशु मंदिर हैं और हैं जहाँ से नफरतों की आग भड़कती है, उनका भी सर्वे होना चाहिए। अच्छा सर, लव जिहाद पे जिसे कह रहे हैं, जब लव जिहाद में आपसे कहना है, बार बार हम देख रहे हैं, जबकि ये जो है ये एक मैटर है, मतलब पुलिस का है, सोशल मतलब है, लेकिन कहा गया अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो वो उसकी आज़ादी है, लेकिन अगर वो कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद क्यों? ये आपको नहीं लगता है ये कानून बनना चाहिए कि आज के बाद ऐसा कोई कानून आए जिससे कि अंदर कास्ट मैरिज बंद कर दिया जाए? ये एक सोल्यूशन है। पहली बात तो ये है, लव जिहाद जो है इसके माना ही लोगों ने गलत समझ रखा है, और ऑलरेडी कानून सब के लिए हिंदुस्तान का आईन जो है वो बिल्कुल बराबर है। मैं समझता हूँ कोई कानून लाने की ज़रूरत नहीं, और अगर इसके मुखालफत में कोई कानून आता है उसकी मरम्मत करनी चाहिए। तो ये मसला हल कैसे होगा, लोगों में कैसे महसूस जाए, लोग प्यार करना बंद कर रहे हैं, या जो लव जिहाद एक तरफ क्यों, दूसरा लव जिहाद एक तरफ, लव जिहाद ऐसा क्यों? लव जिहाद तो है ही नहीं कोई। क्या लव जिहाद है? नहीं, वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो उसके खिलाफ आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी तंजीम है, बड़ी तंजीम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस हिंदुस्तान का आइन जो है सबके लिए बराबर है। अगर कोई तफरीक करता है तो गलत करता है। आपके अंदाज में, एक मिनट, आपके अंदाज में आज का जो मौजूद था सम्मान समारोह के साथ साथ जो नफरत मिटाने का है, उसका क्या सही तरीका है जो सब देशवासी उसको अपना? सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपस में मेल जोल रखो, एक दूसरे की खैरखाई हमदर्दी करो, हिंदू मुसलमान सब मिल करके एक दूसरे के हुकूक को पहचाने, जो इस्लाम ने मसावात का दर्श दिया उसके ऊपर अमल करें।